नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। कहिए, क्या काम है आपको? एक विनंती है। बोलिए। महाराज चंद्रसेन तथा पद्मसेना का हुकुम है कि आपके यहाँ के अतिथि ने राजदरबार में आके गायन करे, क्योंकि इनके मधुर गायन से राजकुमारी जी बहुत प्रभावित हुई है, इसीलिए राजदरबार में गाने के लिए हमें अनुमति चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर आप तो इनकी अवस्था देख रही है ना? हाँ, हम जानते हैं उनके जीवन में बहुत ही महादुख आया है, पर उनको ले जाने की आप चिंता ना करें, हमने सेवक और डोली की व्यवस्था की है, आप सिर्फ अनुमति दीजिए, गाना समाप्त होते ही उनको वापस लाने की जिम्मेदारी हमारी रही। वो तो ठीक है, पर हम आए तो आपको कुछ आपत्ति तो नहीं है? नहीं नहीं, उल्टा हमें मदद ही होगी। मैं कह रही हूँ कि वैसे भी हमें बहुत देर हो गई है, राजकुमारी हमारा इंतजार करती होगी। चलिए हम चलते हैं। हाँ, तब तक हम डोली भिजवा देते हैं। हाँ, चलिए। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी, राजकुमारी जी, आपको जिस व्यक्ति की तलाश थी वो मिल गया है। क्या सच? हाँ राजकुमारी जी। कहाँ है वो? ये देखिए, ये देखिए। अरे ये क्या, तुम किसे घर लेकर आ गए? राजकुमारी जी, हम किसी अयोग्य व्यक्ति को घर नहीं लाए हैं, ये वही ज्ञानी पुरुष है जिसका गायन सुनने की आपको इच्छा थी। हमें सच नहीं लगता। फिर आप उन्हीं से पूछ लीजिए। नमस्कार महाराज, सचमुच वो गीत आप गा रहे थे? हाँ राजकुमारी जी, वो गाना मैं ही गा रहा था। वाह, कितना मधुर गा रहे थे आप, पुनः एक बार वो गायन आप हमारे लिए करें तो कृपा होगी। नहीं, जो कुछ भी हुआ वो ईश्वर की कृपा है, प्रसाद है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। अगर हमारा गाना सुनकर आपको आनंद मिला तो आप उसे धन्यवाद दीजिए। महाराज, हमें क्षमा कीजिए, आपने गायन की कहीं विधिवत शिक्षा ली है क्या? नहीं। क्योंकि आपके दीप राग गाने से राग का उद्धार हुआ, और ऐसा गायन कोई गंधर्व ही कर सकता है। नहीं, जो कुछ भी है वो ईश्वर की कृपा से, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। राजा विक्रम, राजा विक्रम, मुझे पहचाना के नहीं, या और कुछ अनुभव लेना बाकी है? शनिदेव, शनिदेव मुझसे भूल हो गई, अपराध हुआ, आपको पहचानने में बहुत देर कर दी, शनिदेव फिर कभी ऐसी भूल नहीं होगी। शनिदेव, अब मैं अपनी भूल समझ गया हूँ, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। राजा विक्रमादित्य, आज मैं तुम पे बहुत बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? हाँ सामर्थ्यशाली शनिदेव, हम आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना करना चाहते हैं, और वो ये है कि आप किसी दूसरे मनुष्य या प्राणी को ऐसा दुख न दें, क्योंकि हमने जो दुख भोगा है वैसा दुख कदापि दूसरा मानव या प्राणी सहन नहीं कर पाएगा शनिदेव। इसलिए शनिदेव आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, और वो ये है
कि किसी दूसरे प्राणी को ऐसा दुख न देना, ऐसा दुख न देना शनिदेव। शाबाश राजन, तुम सचमुच महान हो। अपने से ज्यादा तुझे दूसरों के दुख की चिंता रहती है। तू इसी तरह दूसरों के दुख का निवारण करता रहेगा, ऐसी मुझे जानकारी है। जा, हमने आज तुझे साढ़े साथी से मुक्त किया। जा, आज से तू मुक्त हुआ। शनिदेव, शनिदेव, ऐसी भूल कभी नहीं होगी शनिदेव। हम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी शनिदेव। अरे विक्रम, दुख मैं क्या सिर्फ तुम्हें ही देता हूँ, दुख मैं सभी को देता हूँ। और तुम्हें जो दुख दिए हैं वो बहुत कम दिए हैं। मैं तो देव दानव इनको भी नहीं छोड़ता, फिर तू तो मानव प्राणी है, इसलिए तू खुद को ज्यादा दुखी मत समझ। परंतु मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन। स्वामी, समझ गया मैं। शरीर, मन, कर्म, वचन, स्थल और ऐश्वर्य, इनमें से किसी भी बात का किसी को भी अहंकार हुआ तो उसके राशि में ग्रहण लगाए बिना मैं नहीं रहता हूँ। इतना ही नहीं, त्रिभुवन पर जिसका राज्य है उस शिवजी को भी नहीं छोड़ा। रामचंद्र को वनवास दिया, कौशिक मुनि के 100 पुत्रों का नाश कर दिया, राजा हरिश्चंद्र को नहीं छोड़ा, ऋषियों को नहीं छोड़ा, इंद्र को भी छोड़ा नहीं। इतना ही नहीं, पांडव भी गृह दशा से मुक्त नहीं हुए, उनको वनवास भुगतना पड़ा, कौरवों का क्षण में नाश हुआ। तब खुद कृष्ण जी बोले, शनिदेव अब महासामर्थ्यशाली हो, ऐसे जगत गुरु को नहीं छोड़ा तो तुझे क्या छोड़ूंगा। गुरु को भी शनि? नहीं तो क्या, जिस किसी को अहंकार का थोड़ा सा भी स्पर्श हुआ है उनकी राशि में मैंने प्रवेश किया ही समझो। ऐसा एक बार मैं गुरु के पास गया और कहा, शनिदेव आप? हाँ। पर आज अचानक और यहाँ? हाँ, मतलब आपकी राशि में प्रवेश कर रहा हूँ। क्या, हमारी राशि पे? परंतु हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो आप हमारी राशि पे आ रहे हैं? मुझे लगता है आप मेरा अनादर कर रहे हो। सभी मेरा अनादर करते रहे तो हम जाए कहाँ? 7.5 वर्ष नहीं पर 5 वर्ष तो आने की इच्छा है हमारी। नहीं नहीं, हम आपका अनादर नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारी राशि पे जरूरी है क्या? नहीं गुरुजी, वैसे कुछ नहीं। आप तो सदैव भक्तों का कल्याण करते रहते हैं, फिर आपको हम कैसे दुख दें? ईश्वर का तो गुरु को वरदान मिला है कि जो व्यक्ति गुरु वचन को नहीं मानती उसका विनाश अटल है। आत्मा और परमात्मा का संयोग करने वाला अंत में गुरु ही तो है। फिर इतना होने पर भी आप? ठीक है, हम सिर्फ 7.5 प्रहर आपके राशि में आएंगे। नहीं, ये भी बहुत अधिक है। तो फिर 1.25 प्रहर चलेगा? 1.25 प्रहर, 1.25 प्रहर, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तथास्तु। स्नान संध्या और कर्म कांड करने में ही 1.25 पहर निकल जाएगा। इतने कम अवधि में तो शनि भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत में गुरु को भी अज्ञान से अहंकार की बाधा हो ही गई। कोई बात नहीं, तो फिर अब गुरु को भी चमत्कार दिखाना होगा। अरे, मेरी काया ऐसी क्यों हो गई है? ये क्या? जय राम, जय राम। ब्राह्मण देव, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। आप और दान? हाँ गुरुजी, ये मधुर फल खाके हम तो तृप्त हुए, आप भी तृप्त हो जाइए, ऐसी हमारी इच्छा है। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। कल्याण हो।
बहुत शाम होने को है, अभी तक राजकुमारों का कुछ पता ही नहीं। चलो उधर देखते हैं। जय जय राम। ये कौन आ रहा है? जय जय राम। मुझे लगता है जय जय राम सीता राम। चलो चल के देखते हैं। हम श्री राम। चल 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 देखते हैं। हाँ देखे तो सही। ब्राह्मण देवता रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों, क्या हो गया? मतलब कि आपको कुछ भी मालूम नहीं? नहीं। हमारे नरेश राजा इंद्रसेन के दो लड़के शिकार करते हुए गुम हो गए। संध्याकाल होने वाली, अभी तक उनका पता नहीं। कहीं तुमने उनको आसपास देखा है क्या? नहीं, मैं तो अभी स्नान करके वापस आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं देखा तो फिर कहाँ गए होंगे? मुझे तो ये आपकी झोली से क्या टपक रहा है? तरबूज है, एक भक्त ने भेंट दी है मुझे। तरबूज है? ये तो खून टपक रहा है, खून। अरे झोली में तरबूज है, खून कहाँ से आएगा? ये क्या, ये खून नहीं तो क्या है? अरे हाँ ये तो खून है। जरा अपनी झोली दिखाओ, उसके अंदर क्या हम देखना चाहते हैं। देखो देखो, मुझे क्या कष्ट है। अरे राजकुमारों के सर, राजकुमार। अरे मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने राजकुमारों की हत्या नहीं की है। अरे नीच चंडाल, तू अपने आप को ब्राह्मण समझता है? अरे ब्राह्मण के नाम पर तू कलंक है, नीच, तुझे शर्म नहीं आती? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूँ, नहीं मालूम मुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे मालूम अभी पड़ेगा, तुझे हम राजा के पास लेकर चलते हैं, वहीं जाके तुझे अपने आप पता चल जाएगा। चल ले चल। अरे मुझे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जब बताएं, मुझे बताएं, राजा इंद्रसेन के पास तुझे ले जा रहे हैं, जो कुछ भी कहना हो वहीं जाके कहना। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? महाराज महाराज। क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ महाराज। क्या बुरा हुआ? राजकुमारों की कोई खबर मिली के नहीं? राजकुमारों की खबर पर अरे पर क्या? और ये किसे पकड़ के लाए हो? ये साधारण मनुष्य और राजकुमारों की मुंडिया नहीं, लेकर नहीं, मैंने नहीं किया, झोली में लेकर घूम रहा था। क्या? हाँ महाराज। राजकुमारों की मुंडिया? महाराज मतलब राजकुमारों की हत्या? महाराज ये इस दुष्ट ब्राह्मण ने की है महाराज, और उसकी मुंडिया लेकर घूम रहा था। भगवान भगवान, क्या सुन रहा हूँ मैं? ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, मैं मर क्यों नहीं गया? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है, मेरे राजकुमार जिंदा है, मेरे राजकुमार जिंदा है। महाराज महाराज, अरे कोई है क्या वहाँ? पानी लेके आओ महाराज 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 महाराज। इस चंडाल को जल्द से जल्द सूली पर चढ़ाया जाए। जी, चल चल। मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, पर मुझे छोड़ दो, मुझे सूली पे मत चढ़ाओ। बाद में चाहे मुझे सूली चढ़ा देना, पर अब थोड़े क्षण रुक जाओ। वो कुछ नहीं, हत्या करते समय तूने सोचा नहीं, और अब चिंता करता है अपने जिंदा रहने की? पैसे देकर हमें भ्रष्ट करता है, तू हमें भ्रष्ट करता है? देख, अरे नीच चंडाल, चल। देखो मैं तुम्हें फिर से विनती करता हूँ, तुम कुछ क्षण रुक जाओ, उसके बाद चाहे मुझे सूली पे चढ़ा देना। कुछ देर रुकने का कह तू भाग जाएगा, पर एक बात सुन, जगत की कोई भी शक्ति आज तुझे बचा नहीं सकती, तू कितने भी प्रयत्न कर ले आज तू नहीं बच सकता, समझ गया? ठीक कह रहा हूँ ना? ठीक कह रहे हो। मैं फिर से एक बार विनती करता हूँ, कुछ क्षण रुक जाओ। बस बंद करिए तेरी बड़बड़, बार बार तेरी बड़बड़ नहीं सुननी। अब जाने दो इसको, खड़े होके हम भी देखते हैं कौन आके इसका बाप बन के इसको बचाता है। हाँ, और इसको इसके देवता का आचमन करने देते हैं। ये क्या है, घोड़े के टापों की आवाज कैसे आ रही है? वो देखो, मुझे लगता है अपनी तरफ ही कोई आ रहा है। अरे हाँ, ये तो अपने राजकुमार घोड़ों पर बैठकर आ रहे हैं। अरे राजकुमार कैसे हो सकते हैं, उनकी तो हत्या हो गई, हत्या। अरे अपनी आंखों को खोल कर देख, राजकुमारी तो हैं।
राजकुमार के वापस आने की खबर सुनकर महाराज खुश होंगे, आनंदित होंगे और हमको बख्शीश देंगे, बख्शीश। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारे राजकुमार की जान बचा दी। राजकुमारों की जय हो, राजकुमारों की जय हो। महाराज, महाराज आप आए तो अच्छा लगा, हम आपके बारे में सोचकर चिंतित थे और हमारे यहाँ पर सब आपको लेकर दुखी हैं। दुखी? और वो किस लिए? हमें तो लगा कि आपकी हत्या हो गई है। हमारी और हत्या? हाँ महाराज। और वो किस लिए? राजा के साथ बैर करके किसी को नष्ट होना है क्या? पर आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चिंता करने की जरूरत नहीं थी? चिंता न करते तो क्या करते? हम सब बहुत चिंतित थे आपको लेकर महाराज। महाराज और महारानी तो आप आ गए, बहुत खुशी की बात है। चलिए राजमहल चलते हैं। चलो चलो चलिए। जरा इधर आओ, तुम लोग जरा ब्राह्मण के पास रहो, हम जरा महाराज के पास होकर आते हैं। अरे अरे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे तो यहाँ से छोड़ो, अरे छोड़ दो मुझे। अरे महाराज, अत्यंत आनंद की बात है। क्या? अपने राजपुत्र वापस लौट आए हैं। क्या, राजपुत्र वापस आ गए? कहाँ है? वह इधर ही है। कहाँ है? कहाँ गए थे मेरे पुत्र? पिताजी, सेनापति जी। महाराज, उस ब्राह्मण को छोड़ दो, बिना कारण हमने उसे कष्ट दिया है। सेनापति जी महाराज, हमारी तरफ से उस ब्राह्मण को क्षमा कहना और अगर हो सके तो उसे राजमहल में हमारी तरफ से आमंत्रित किया जाए। आप कुछ चिंता ना करें महाराज, हमने उसका कुछ भी नहीं किया है। वाह, बहुत ही अच्छा हुआ, जाओ, नहीं तो निष्पाप का भागी बन जाता मैं। और सुनो, तुम जाओ जल्दी। सेनापति जी महाराज, तुम जाओ उस ब्राह्मण को आदर पूर्वक यहाँ लेकर आओ। जी महाराज, अभी हाजिर करते हैं। चले साथी। प्रणाम महाराज। हाँ चलते। महाराज की जय हो। आइए आइए, ब्राह्मण देवता आइए। ब्राह्मण देवता, हमको क्षमा कीजिएगा, अनजाने में हमसे भूल हुई है। आप तो ब्राह्मण देवता हैं, क्षमावान हैं, इसलिए महाराज हमें क्षमा कीजिए। आप जो भी कहे हम प्रायश्चित करने को तैयार हैं। महाराज, महाराज आप अपने आप को अपराधी मत समझिए, प्रायश्चित से सब पाप धुल जाते हैं और अब तो आपके राजकुमार भी वापस आ गए हैं, इसी में सब कुछ आ गया। अच्छा, जाने से पहले मेरी झोली मुझे मिल जाती तो अच्छा होता। सेनापति जी महाराज, जाओ ब्राह्मण देवता की झोली लेकर आओ। जी महाराज। ये लीजिए अपनी झोली। हैं? अरे बाप रे, अरे ये क्या, यहाँ तो राजकुमारों के सर पड़े हुए थे और ये तो तरबूज है। देखा महाराज, मैंने कहा था ना, मेरी झोली में तरबूज है। लेकिन तरबूजों की मुंडिया कैसे बन गई महाराज? ठीक है भाई। शनिदेवा आप? हाँ हाँ गुरुजी, हम हैं। देखा सवा प्रहर का शनि का प्रताप। शनिदेवा शनिदेवा, मुझे क्षमा कीजिए, शनिदेवा मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेवा, मेरे अज्ञान के कारण मुझे लगा सवा प्रहर में आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु सवा प्रहर में मेरी जो स्थिति हुई, वही अगर 7.5 वर्ष आते तो मेरी क्या अवस्था होती। शनिदेवा, मेरी क्या अवस्था होती। फिर समझ आई ना आप गुरुजी? हाँ, आप सचमुच महान हैं, सब ग्रहों में श्रेष्ठ हैं आप। मैं गुरु खुद को महान समझता था, पर आपने मेरा अहंकार नष्ट किया। जब आपने मेरे जैसों को नहीं छोड़ा तो अन्य मानव प्राणियों को आप कैसे छोड़ेंगे? मुझे क्षमा कीजिए शनि देवा, मुझे क्षमा कीजिए। तो फिर समझ गए ना गुरुजी? तो ध्यान से सुनिए, कोई भी व्यक्ति शरीर, मन, कर्म, वचन, धन एवं बुद्धि, इनमें से किसी भी बात का अहंकार या गर्व कर रहा हो तो उसका गर्व मैं ऐसे ही हरण करता रहूंगा। तुम्हें क्या लगा सवा प्रहर स्नान करने में निकल जाएगा? पर सवा प्रहर में मैं क्या कर सकता हूँ यह तुमने देखा ही। इसलिए मैं कहता हूँ, इस जीवन में किसी को सुखी रहना हो तो कोई भी किसी भी बात का गर्व ना करें, और किया तो उसकी अवस्था यही होगी। हाँ शनि देवा, पुनः ऐसी भूल कभी नहीं होगी।
इसके आगे हर क्षण मैं सतर्क रहूंगा। मुझे क्षमा करो शनि देवा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। तथास्तु। जय शनि देव, जय शनि देव। समझा के नहीं राजन, तुझे जो दुख दिए वो तो बहुत कम दिए हैं। मैंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा तो तुझे क्यों छोड़ूंगा? गृह स्वामी, आप हम पर कृपा कीजिए। अज्ञान के कारण हम अहंकार में डूब गए थे, हमसे भूल हुई। शनिदेव हमें माफ कर दीजिए, शनिदेव हमें माफ कर दीजिए। जा राजा विक्रम, जा। आज से मैंने तुझे साढ़े साथी के फेरों से मुक्त कर दिया, परंतु ये सूचना सदैव ध्यान में रखे रहो, कोई भी व्यक्ति अहंकार मुक्त होकर ग्रहों का आदर करेगा और ग्रहों का गुणगान करेगा और श्रवण करके दूसरों को कहेगा, ऐसे प्रिय भक्तों पर मैं कभी संकट नहीं आने देता। ऐसे विनम्र साधक का मैं ही खुद स्मरण करता हूँ। गृह स्वामी क्षमा करें। तथास्तु। अज्ञान के कारण हम अहंकार में डूब गए थे, हमसे भूल हुई। शनिदेव हमें माफ कर दीजिए, शनिदेव हमें माफ कर दीजिए। नमस्कार राजकुमारी जी। तू वापस आ गया? हाँ हम वापस आ गए। किसकी आया है? चोरी करने तो बिल्कुल नहीं। आप कृपा करके मेरे साथ शयन कक्ष में चलिए। क्या? इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप आएंगी तो अच्छा होगा। बेटा अलौलिका, वो कह रहे हैं तो जाकर देखने में क्या हर्ज है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके हाथ पांव तोड़ने के बाद भी ये वापस चलकर कैसे आ गया? इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए तो हमारे साथ शयन कक्ष में आइए। ठीक है, चलो चलते। चलो। ये देखिए। ये क्या? एक निर्जीव हंस सजीव प्रतीत हो रहा है। और ये क्या? हंस एक एक मोती बाहर फेंक रहा है। बेटा लौलिका, कहीं ये तुम्हारा चोरी को गया हुआ हार तो नहीं ना? हाँ पिताजी, ये तो मेरा ही चुराया हुआ हार है। क्या आश्चर्य है, पर ये आश्चर्य हुआ कैसे? परमेश्वर की लीला अपरंपार है। हार तो इस निर्जीव हंस ने निकला था और मैंने सजा तो। वही तो मैं भी कह रहा था महाराज, परंतु आपका मुझ पर विश्वास नहीं था। छी 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 छी, कितना बड़ा पाप हुआ, एक निर्दोष को दंड देकर कितना बड़ा अन्याय किया मैंने। धिक्कार, धिक्कार है मेरा। महाराज, 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 हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, महाराज, ठहरिए महाराज, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हार उस हंस ने निकला और चोरी का आरोप हमने आप पर लगाया, कितना नीच कर्म किया हमने। महाराज हमें क्षमा कीजिए और कृपा करके अपना असली परिचय दीजिए। जो होना था वो तो हो गया। स्वयं राजा होकर भी चंद्रसेन राजा ने दूसरे राजा के साथ इंसानियत का वर्ताव नहीं किया, ये घटना चमत्कारपूर्ण ही तो है। लेकिन अब उसका न्याय मिला है, अब शनिदेव की साढ़े साथी समाप्त हुई। बोलिए महाराज, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए ना। हम उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य। क्या कह रहे हैं आप? राजा विक्रमादित्य? महाराज, हमसे जो अनजाने में भूल चूक हुई उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। इसमें आपका कोई दोष नहीं है राजन, ये सब ग्रह दशाओं का परिणाम है। ग्रह दशा ही तो थी जिससे हमारी ये दशा हुई है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है महाराज। ये क्या महाराज, हमें इस तरह से लज्जित कर रहे हैं आप? नहीं महाराज, आपका हाथ हमारे पीठ पर रहे हमेशा। महाराज ये क्या कर रहे हैं महाराज?
राजा विक्रमादित्य, हमें आपको नमस्कार करना चाहिए। महाराज, हम आपको हुक्म देने वाले कौन हैं? आप बड़े हैं महाराज, अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हमें माफ कीजिए। इसमें आपका कोई दोष नहीं है राजन, नमस्कार चमत्कार को ही होता है। जब हम आपसे कह रहे थे कि हमारी ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, उस समय आपने हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, तब आपके पास समय ही नहीं था। ये तो शनिदेव को हमारा अहंकार नष्ट करना था, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। आपको इन हाथों ने बहुत दुख दिए हैं, उसका परिमार्जन करने के लिए मेरी बेटी का धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें, तो इससे हमने दिए हुए दुख का परिमार्जन तो हो सकेगा, पाप का शालन तो हो सकेगा। हाँ हाँ, आप मेरी बेटी को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कीजिए, मैं आपका अजन्म ऋणी रहूंगा। हाँ महाराज, यही उचित रहेगा। महाराज महाराज, आ बेटा लोरिका, हमारी बेटी का धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। अवश्य महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। महाराज, मुझसे भूल हो गई, मेरे कारण आपको बहुत दुख भुगतना पड़ा, मैं आपके चरणों की धूल बनने के भी लायक नहीं हूँ। आप मुझे क्षमा करेंगे तो ये दासी आपकी आजन्म रहनी रहेगी। चलिए साहूकार, राजा विक्रमादित्य के विवाह की तैयारी करेंगे। हाँ, तुरंत करते हैं।